हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये यहां क्या कर रहा है? रुक! भैया रिक्शा रुको, रिक्शा रुको! इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे सुनो भैया, जैसा मदद करो, जा एक रिक्शा रुको, हॉस्पिटल ले जाना, वक्त लग गई। मैंने क्या किया? दादा चालू बनता है बे, पकड़ इसको। हाँ छुपाया सामान छोड़ो मुझे, मैंने मैंने कुछ नहीं कहीं छुपाया। आप क्यों मुझे परेशान करो? छोड़ दो, बताबे कहाँ है? लगता है कहीं और छुपा के रखा है इसने। अभी बताएगा तू कहाँ रखा है, समझा ना? अच्छा यार मुझे चल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लड़की ठीक है अब। मैं तो उसकी चोट देख के बहुत डर गई थी। सर में चोट लगना बहुत खतरनाक होता है। आज का दिन तो गुजर गया किसी तरह। उसे हॉस्पिटल ले जाने में, उसकी देख रेख करने में। जी। आओ इधर, ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है, यहीं बैठते हैं। जी बैठो। बहुत थक गया आज, सुमन मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो जाऊंगा। ऐसे कैसे सो जाओगे? पहले कुछ खा लो। नहीं सुमन, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ये थोड़ी ना चलेगा कि भूख नहीं है। ठीक है, आधी रोटी दे दो मुझे। जी ठीक है। लो तुम भी खाओ। जी मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे भरपेट खाना मिले इसलिए आप खाना नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। 38 साल आपके साथ में मैंने जिंदगी बिताई है, मैं खूब जानती हूँ आपको। सुमन, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे सुमन तो क्या हो गया, अरे नेक काम में ही खर्च हुए हैं ना। देखो वो लड़की ठीक हो गई, वो बेचारी तो मुझे पैसे देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा पैसा लेना। लेकिन कल क्या करेंगे हम लोग? हर दिन अपने साथ एक नई तकदीर लेकर आता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। अब सो जाते हैं हम लोग। अब पानी पी लीजिए थोड़ा सा। लो तुम पियो ना। पहले आप पी लीजिए। ये लीजिए, आप ये बचो आ जाइए, मैं मदद करती हूँ आपकी। गोलू कौन होंगे ये लोग? इधर रहने को आए होंगे और क्या। ऐसे कैसे रहेंगे?
ये तो अपन का जगह है ना। तेरे बाप की जगह है, दहेज में लाई थी तू। आंटी आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बेटा तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर आज आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी आप घबराइए मत, लेकिन आप लोगों का घर कहाँ है? वो दरअसल बात ये है ना कि हम लोग जहाँ रहते थे ना वहाँ का किराया हम नहीं दे पाए, तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। ओ बेटा, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है जी, हम कल सुबह उसके घर चले जाएंगे। तो आइए ना, मैं आप दोनों को अभी आपके दोस्त के घर पर छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं बेटा, तुमने जो किया वही काफी है। नहीं अंकल, देखिए ऐसी जगह पे रात गुजारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, अभी देखा ना आप लोगों के साथ में क्या हुआ। अंकल अगर आपको लगता है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी मदद की है तो प्लीज मेरी खुशी के लिए आप लोग अभी चलें। देखो फोन भी नहीं उठा रहा है ध्रुव। पता नहीं अंकल कौन थे वो लोग और पता नहीं ध्रुव के पीछे क्यों पड़े थे। सुबह से गया है, अब तक नहीं लौटा, कहीं कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? आप कुछ करते क्यों नहीं, कहीं से भी उसे ढूंढ के लाइए। मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। कौन सा डब्बा ध्रुव? आइए आंटी। शुक्रिया। यही है हमारा घर। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको बहुत तकलीफ दी, अब तुम जाओ बेटा। नहीं अंकल, जब तक मैं आपके दोस्त के घर के अंदर तक आपको नहीं छोड़ देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चलिए प्लीज। चलिए चलते। चलो बेटा। देखो बेटा जी, रात बहुत हो चुकी है, गाड़ी धीरे धीरे संभाल के चलाना। हाँ क्या बात है, किससे मिल रहे हैं? तुम कौन हो? मेरे बेटे को बुलाओ जरा, उससे कहो कि उसके मम्मी पापा हैं। कौन सा बेटा? चाचा जी यहाँ पे मैं रहता हूँ और मैंने ही पहचानता आपको। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा बेटा रहता था, आप यहाँ कहाँ से आ गए? क्योंकि जो यहाँ पर रहता था 2 दिन पहले ही ये घर मुझे बेच के चला गया है। ये घर मेरा है, मैं शशि हूँ, ये घर मेरे नाम पे है। चाचा जी इसका मतलब ये है कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उसे तो मैंने गिन के कैश दिए है। अरे आंटी अब ठीक तो है? सुमन ठीक हो? ठीक हो, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मुझे माफ कीजिए,
मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई साहब, आपको पता है कि इनका बेटा कहाँ पे होगा? हाँ। वो तो पता नहीं, देश छोड़कर जाने की बात कर रहा था वो। मेरा बेटा। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। आपने अपना बेटा खोया है, मैं तो उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिसने भी आपके बेटे के साथ ये किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे, मगर उसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो ये देखिए सर, पूरे शरीर पे ऐसे निशान है, बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। मेरा बेटा। पंकज, ध्रुव की बॉडी को फोरेंसिक लैब लेके जा। मेरे बेटे को मत लेके जाइए। कहाँ ले जाएंगे उसे? क्यों ले जाएंगे? बेटे प्लीज। फैमिली को घर छोड़कर आओ। सर। बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो और यहाँ आसपास का सारा इलाका एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सो आखिर उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल बेटा, हमारी बहू हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए पिछले महीने ही हमारे बेटे ने हमारे लिए किराए का मकान लिया था, और वो भी बहुत दूर। अब बेटा, वहां भी उसने सिर्फ एक महीने का किराया दिया था। महीना पूरा हो गया, मैं कल्पेश को फोन करता रहा किराए के लिए, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया, और आखिरकार मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सुमन, चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी रागनी है ना? पर वो तो पुणे में है और हमें उसके घर के बारे में कुछ नहीं पता। तो आंटी, आपके पास उसका फोन नंबर होगा, मेरा फोन ले लीजिए, फोन कर लीजिए उसको। नहीं बेटा, हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। अरे, हमारा बेटा नहीं चाहता था कि हम हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता रखे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो बस यहाँ की सड़कों को ही घर बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? अंकल, रिश्ते बनाने से बनते हैं, लेकिन आपका ये बेटा तो है ना? जब तक मैं आपको आपकी बेटी के घर तक नहीं पहुंचा देता, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं अंकल, मेरी खुशी के लिए आपको चलना होगा। मुझे ऐसा लगेगा मेरे माँ बाबूजी मेरे घर पर आए, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। एक बात बताइए, क्या ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था किसी के साथ, कि किसी बात को लेकर वो परेशान था? कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहा था ध्रुव। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देता था, कुछ नहीं बताया उसने मुझे। और तुम तृप्ति, तुम तो ध्रुव की सबसे करीबी दोस्त, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सर, जब आज सुबह मैंने सड़क पर अचानक से ध्रुव को देखा, इतने में दो गुंडों ने आके मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और वो ध्रुव के पीछे भागे और ध्रुव उनको देख के भाग गया। उसके शरीर पर निशान, और ये निशान इसके पूरे शरीर पर है।
लगता है बहुत तकलीफ दी गई है इसे। ऐसा लगता है इस बेचारे को काफी लंबे समय तक मारा पीटा गया है, सिगरेट से जलाया गया है, उसके बाद इसकी जान ली गई है। एक बड़े बूढ़ा बूढ़ी आए और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा इलाज करा के यहाँ छोड़ गए। वो दो गुंडे जिन्होंने तुम्हें धक्का दिया, उन्हें देखा तुमने? नहीं सर, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, पूर्वी काम करो, ध्रुव के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो आज उसने किस किस को फोन किया था और कहां कहां से फोन आए थे उसे। सर ध्रुव तो एक कॉलेज स्टूडेंट था, फिर क्या वजह हो सकती है इसे इतनी तकलीफ देकर मारने की? तारिका, इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है, इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मुजरिम इससे किसी किस्म का बदला लेना चाहता है। तुती, वो दो लोग, मेरा मतलब है वो बूढ़ा बूढ़ी, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानती। लेकिन सर, जब वो मुझे छोड़ने आए थे तो मैंने उनसे बोला था कि यहीं रुक जाए, तो उन्होंने बोला कि वो पाइपलाइन में जाके वहीं रात गुजार लेंगे। बूढ़ा बूढ़ी पाइपलाइन एरिया में जा रहे थे रात गुजारने के लिए? मारने पीटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही इसकी मौत हुई है। रीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? उठो। दो अजनबियों को उठाकर रोड से यहाँ ले आए घर में, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, अब दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? रीना, वो लोग मुश्किल में थे और उनकी जान खतरे में थी, मैं उनको रास्ते में कैसे छोड़ देता? अब मैंने तुम्हें बताया ना उनके ऊपर क्या बीता था, तो उनके तो सगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरे वो दोनों झूठ भी तो बोल सकते हैं। लेकिन रीना, आखिर वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे घर में घुसने के लिए, हमारे घर में घुसेंगे, हम दोनों का मर्डर करेंगे और लूटपाट करके भाग जाएंगे, समझे आप? रीना, तुम्हें वाकई लगता है कि वो लुटेरे हो सकते हैं? किसी के ना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है। अरे हो सकता है कि वो किसी गिरोह के हो, यहाँ आए हो हम दोनों को इम्प्रेस करें, लूटपाट करके फिर उनके ही गिरोह के आदमी यहाँ से चोरी करके, डकैती करके, हम दोनों का मर्डर करके भाग जाएं। सुनिए, मैं कहती हूँ उन्हें अभी के अभी इस घर से बाहर कीजिए, अभी के अभी। मारो बस, आप मारो, भाग नहीं रहा था, बस डर लगता है आप सीआईडी वालों से, मारो मत। चुप गड़ी, पूर्वी या जितने भी लोग सबको यहाँ लेकर आओ, चलो बाहर निकलो। आ रही, चलो बाहर निकलो, भग आइए, चल चलो बाहर निकलो, चलो चुपचाप खड़े रहो, वहां पे खड़े रहो, चलो। अब बताओ, कुछ देर पहले मतलब आज की रात ही दो लोग, एक पति पत्नी, बूढ़ा बूढ़ी थे, यहाँ पर आए थे, कहाँ है वो? देखो, चुप रहने से तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे? बाजू हट, चुप नहीं रहेगा तो क्या करेगा साहब? जब हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा आपको? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो साहब, हम सब दिन भर काम करते हैं, तो प्लीज अभी आप हम लोगों को ज्यादा तकलीफ मत दो, सब इज्जतदार लोग रहते हैं साहब यहाँ। कुछ तू ही बताएगा, समझा? अगर यहाँ नहीं बोलेगा ना तो ब्यूरो ले जाकर तेरा मुंह खोलेंगे। नहीं नहीं साहब, इसको कुछ मत करना, ये सब बताएगा। अरे बोल ना फटाफट, नहीं तो ये लोग ठोक डालेंगे तेरे को इधर ही। वो लोग आए थे ना यहाँ पर, कहाँ है वो? मैं बताती आपको, ऐसे दो लोग आज आए तो थे इधर, फिर
हम लोग सोने को जा रहे थे, बुड्ढा औरत थोड़ा जोर से चिल्लाया, हम लोग बाहर आके देखा तो एक गुंडा उनका सामान छीन रहा था। और हाँ साहब, एक आदमी गाड़ी से उतर के आया और उनको अपने साथ लेकर गया। अच्छा, उन्हें जो साथ में ले गया उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने, या फिर आप गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग, कुछ भी? अपन देखा सब, गाड़ी का नंबर तुमने देखा? हाँ सर। फ्रेडी काम करो, गाड़ी के सारे डिटेल्स ले लो, पता लगाओ ये गाड़ी है किसकी, कौन था वो आदमी और कहाँ लेकर गया उस दोनों पति पत्नी को। लगता यही दोनों है। हाँ, तुम चारों तरफ ध्यान रखो, मैं मेमोरी कार्ड देखता हूँ। नमिता, ध्रुव के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी थी इसलिए। हाँ, बेचारे के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। नमिता, ध्रुव के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ध्रुव की और तुम्हारी पिछले दो दिनों से लगातार बातें हो रही थी, और मेरे ख्याल से अभी हादसा हुआ उससे आधे घंटे पहले भी बात हो रही थी, है ना? हाँ सर, वो बता रहा था कि उसके कॉलेज में कोई स्कैम चल रहा था और वही स्कैम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मुझसे मिलने वाला था सर उस दिन। अच्छा, तो क्या पता चला? सर, वो उस दिन मुझसे मिलने आया था और वो कुछ बताना भी चाह रहा था सर, पर उसके पीछे तो गुंडे पड़ गए और वो वहां से भाग गया। मतलब ध्रुव ने तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया वो मुझे। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सचिन, अब तो हम पता लगा लेंगे अपने तरीके से। सर, कार का नंबर यही है और घर का एड्रेस भी। अंदर चलकर देखते हैं चक्कर क्या है। ये क्या है, दरवाजा तो खुला है, लगता है अंदर कोई नहीं है। गुस्से हैं, सावधान रहना। जिंदा है, बेहोश है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। देखो जरा आसपास कुछ मिलता है क्या। सर के पीछे चोट लगी है। ये टुकड़े पड़े, लगता है यहाँ हाथापाई हुई है। हाँ सर, हाथापाई में सिर्फ इसके सिर के पीछे ही चोट लगी है, बाकी शरीर में कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। सर, एम्बुलेंस आ रही है। तो पानी लो और इसे होश में लाओ। कौन हो तुम, कौन हो तुम?
यहाँ पर जो बूढ़ा बूढ़ी थी पति पत्नी कहाँ है वो हाँ कहाँ है? सर ये तो फिर से बेहोश हो गया। सर हाँ अपूर्वी घर में कोई नहीं, ये फोन मिला शायद मनोज की बीवी का, उसने किसी को फोटो और मैसेज भेजा है। मैं तुम्हें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेज रही हूँ जिन्हें मनोज अपने घर में लेकर आया। तुम पुलिस में हो इसलिए मैं तुम्हें ये भेज रही हूँ। पुलिस वाले को इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेजे हैं। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ्स इन दोनों के सब जगह भेज दो, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, सब जगह। पता तो चले है कौन ये दोनों। आयो मिस्टर हर्ष। थैंक यू। हेलो आइए प्लीज। नमस्ते बैठिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स लाए हैं जी? सर्टिफिकेट है। चेतन अच्छा नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटा बेटा रहा। पिताजी ने नाम रखा था चेतन। हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अरे प्रिंसिपल साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा चेतन का बहुत तमन्ना है आपके कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होता है और चेतन के तो सिर्फ 89% मार्क्स। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में मेरिट लिस्ट 95% से नीचे नहीं जाएगी। ये आपके बेटे का एडमिशन बहुत मुश्किल है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सॉरी। अरे एमके, अरे चेतन के दोस्त यार उनको तो 95% से भी कम मिला है, फिर उनको कैसे आपने एडमिशन दे दिया? कैसे? मिसेज हर्ष आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप नाराज नहीं होने का, मैं बात करती हूं, तुम चुप रहो। करो। अब देखिए हम यहाँ पे काम के लिए आया तो काम होना चाहिए हमारा। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम होगा। मैं समझे नहीं कैसा काम? हमारा बेटे का नाम चेतन का बस एडमिशन हो जाएगा, वो आप जो बोलेगा हम देगा, वो जब जो मांगेगा हम देगा, आपको जितना चाहिए हम देगा। आप बाहर निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। आप लोग गलत जगह आ गए। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में हमारा नाम नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलिए आप। आप गलत समझते हैं, हमको बच्चे का एजुकेशन है। आई सेड आउट। हम जाता है, आपको गलत लगता है, हम जाते हैं। आइए आइए प्लीज बाहर आइए। चेतन का एडमिशन आउट। हम जाता बाबा। श्रेया वो टीचर कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ सर, उसने किसी को इशारा किया पर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। हाँ श्रेया लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं करवा सकता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन। है ए भाई, तुम कराओ से एडमिशन। हाँ लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूरे 15 लाख। 15 लाख वो तो काम भी तो बड़ा है, लोग यहाँ 30-30 लाख लेके घूम रहे एडमिशन कराने के लिए। आप बोलिए तो आगे बात करो वरना। ए भाई 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 उबलो उबलो दिए तुम ना। हाँ दे दिया। ओके आप पैसा मिलेगा तुमको। आप एडमिशन पक्का? पक्का समझो एडमिशन हो गया। दोपहर के बाद शास्त्री नगर गार्डन में पैसे लेके आ जाइएगा, फाइल दीजिए। ठीक है ठीक है। ओके हो गया हो गया। क्या हाल चाल है? कहाँ है मनोज, उसके घर वाले और वो बूढ़े पति पत्नी? सब मुझे नहीं पता सर। ज्यादा होशियारी मत कर समझा। साहब मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। क्या करने गए थे मनोज के घर? वो क्या करने गया था? बॉस ने कहा था
वो बूढ़े पति पत्नी के पास मेमोरी कार्ड है, वो ले आना और उनका खून कर देना साहब। कौन सा मेमोरी कार्ड है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं साहब। कौन है तेरा बॉस? मुझे नहीं पता साहब, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। कहाँ रहता, कहाँ है तुम्हारा बॉस? साहब वो मेमोरी कार्ड लेके मैं उनके अड्डे पे जाने वाला था, मगर मेरे सिर में चोट लग गई और मैं वहीं गिर गया साहब। अड्डा कहाँ है? हेलो। अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं। ओके, और बूढ़े पति पत्नी का पता चल गया है, उनसे जाके मिलते हैं, उसके बाद इसके बॉस से भी मिलते हैं। अड्डे का पता बता। इतनी देर हो गई, अभी तक इनका कुछ पता नहीं, पता नहीं कब आएंगे मनोज। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, हमारी वजह से बेचारा मुसीबत में पड़ गया। ये बेचारी भी हमारी वजह से इतनी तकलीफ में है। नहीं ऐसा मत कहिए, हम ही आप लोगों को नहीं पहचान पाए, वो क्या है कि इतनी जल्दी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे नहीं नहीं, तुम भी अपनी जगह सही हो। लगता है कोई आ रहा है, आवाज नहीं। खबर तो यही मिली है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे। ये तो वही है। अरे भाई बात क्या है, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप लोग तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं तो उन बदमाशों को रोकना चाह रहा था जिनसे बचाने के लिए मनोज ने हमें यहाँ छिपने के लिए कहा था। किन बदमाशों को रोकना चाहते थे? देखिए प्लीज सर, आप लोग घबराइए मत, हम सीआईडी से। जी ये मेरी पत्नी है और ये मनोज की पत्नी रीना। दरअसल हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। तुम अपना सामान ले आओ। जी चल बेटा। आप ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था, आप लोग वहाँ उस जगह पे कैसे पहुँचे? हम तो उनके हॉल में सो रहे थे, पता नहीं कहाँ से वो हॉल में चोर लोग घुस आए। आवाज नहीं, भेजा बना दूंगा। उसके हाथ में कुछ है, उसने डब्बे से निकाला है। मनोज क्या है? कौन है ये लोग? चलो चलो यहाँ से। कहा था ना मैंने आपसे? अरे आप चलिए, आप चलिए, चलिए चलिए। बस अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। सुमन कोशिश करो तो गुंडे वो पकड़ लेंगे हमको। अरे पकड़ने दो, अभी जान रहे या चली जाए, मैं अब नहीं दौड़ सकती। आप लोग रुक क्यों गए? चलिए ना। नहीं बेटा, थक गए आपकी आंटी। हाँ बेटा, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, आइए आइए देखते हैं। चलिए बेटा चलिए। आप लोग यहाँ छुप जाइए और जब तक मैं वापस ना हो यही छुपे रहिएगा। रीना तुम भी इन लोगों के साथ छुप जाओ, ठीक है? मैं उन लोगों को उनका ध्यान बढ़ा के आता हूँ, वो हमारे पीछे लगे हुए अभी भी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, आप लोग छुपिए।
हम मनोज का एहसान कभी नहीं भूल सकते। हमारी वजह से उस बेचारे की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मिल जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी हाल में हम मनोज को ढूंढ निकालेंगे। उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। सर, साम दाम दंड भेद सब पता है हमें। हम पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, रखता हूँ अभी। ठीक है, पैसे लेके आ गए। आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग कौन है? क्या हम लोग कौन है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे खासे आदमी हैं। रिश्वत के पैसे देने आए हम लोग एडमिशन के लिए। घूस के पैसे लेने आए हो ना तुम? हाँ, पर जिससे फोन पे बात हुई वो कहाँ है? भाई तुम्हारी फोन पे बात तो हम ही से हुई है। सीआईडी। सीआईडी? हाँ। अरे तुम फिर भूल गए गन लाना। अब भाई साहब ने तो गन भी निकाल दी, खुद भी भूल गए, हमें भी याद नहीं दिला। अब माफ कीजिए भाई साहब, हमें लगा कि आप सिर्फ पैसों की हेराफेरी करते हैं। ये गन लेके आएंगे, हमें पता नहीं था। हिलना मत, हिलोगे तो मरोगे। दुरटो। अरे अरे, गोली मत चला। आप जाना चाहते हैं? आप जाइए, समझदार लगते हो। अरे अरे बेटी, वो भाग गया ना। कहाँ जाएगा? यही हमें असली मुजरिम तक जाने का रास्ता बताएगा। चलो। सर, सर कहाँ हैं आप? बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहां कुछ भी दुनिया में गड़बड़ी से नहीं होता है चमन। यहां जो भी होता है पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब चाहे वो प्लानिंग हमने की हो या फिर ऊपर वाले। सर इस बार सच में गड़बड़ हो गई है, हमारा राज खुल गया है। क्या मतलब? कौन है वो लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां है सीआईडी? हम यही हैं। यहां मुजरिम, वहां सीआईडी। हो तो आप लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया। हाँ, अब तुम दोनों अंदर जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है सर? अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को, अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है, हम तुझे अपने ब्यूरो ले जाएंगे तेरा मुंह तोड़ने के लिए। पकड़ ले से। एक मिनट, एक मिनट। इसे तो पहचानते ही होंगे ना? यह है मनोज। अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी देने की कोशिश की तो यह अपनी जान से जाएगा। नहीं सर, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी। बहुत मारा इसे, बहुत, लेकिन फिर भी इसने मेमोरी कार्ड के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैं इज्जत की रोटी खाता हूं, जान से भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी असली मुजरिम आपके हाथ में है सर। असली मुजरिम कौन है वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में यहां पर। मनोज, मनोज बेहोश हो गया। तो हमारा आदमी आ गया। आप तो क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। मैं उसूलों वाला आदमी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है सर? किसमें क्या है सब? वो मनोज का है। मनोज, लगता है कुछ खतरा है यहाँ। चलो। कहाँ चल दिए प्रिंसिपल साहब? कहाँ जा रहे? सर आप यहाँ?
लुटाया आपने लोगों को। जिस जगह के प्रिंसिपल हैं आप, उसे हमारे यहां पे गुरु का दर्जा दिया जाता है, गुरु यानी भगवान। और अगर गुरु आप जैसा आदमी हो तो उसकी दक्षिणा सिर्फ एक ही हो सकती है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो तुम, बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज में जाते हैं और उनके एडमिशन के लिए तुम रिश्वत लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई सर। दरअसल बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना उनके मजबूरी का फायदा उठाया जाए। बाप के कमाई से अपने जेब भरने लगे और इस काले करतूत में तुमने उस कॉलेज के प्यून, उसे भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों को मारने लग गए। ध्रुव को मार दिया तुमने? ध्रुव ने प्यून को घूस लेते हुए देख लिया था और सारी मेरी और प्यून की बातचीत को अपने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो हमारी करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड पाने के लिए मैंने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे। और जब उसने मेमोरी कार्ड देने से मना किया तो तुमने उसकी जान ले ली। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, ध्रुव का खून किया है, इन लोगों को जान से मारने की कोशिश किया तुमने, तुम्हें तो जेल होगी और शायद फांसी भी। पंकज ले जाओ इसे। मनोज हमें तुम पर गर्व है यार, तुमने अपने जान को जोखिम में डाल के इन लोगों की जान बचाई, इन्हें अपने घर में रखा। सर प्लीज ये कह के और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मनोज जी आपने मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी किया शायद एक बेटा भेद ना नहीं करता। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। रागिनी जी आपके माँ बाप को प्यार की जरूरत है, आप इनका ख्याल रखिएगा, हम सबके लिए यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।